है, एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 इकाई विटामिन ए तथा कम से कम 100 इकाई खनिज है। दो प्रकार की खाद्य सामग्री F1 तथा F2 उपलब्ध हैं। खाद्य सामग्री F1 की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई तथा F2 की कीमत 6 रुपए प्रति इकाई है। खाद्य सामग्री F1 की एक इकाई में 3 इकाई विटामिन ए, 4 इकाई खनिज है, जबकि F2 की एक इकाई में 6 इकाई विटामिन ए तथा 3 इकाई खनिज है। इसे एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। उस भोज्य पदार्थ का न्यूनतम मूल्य भी ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों खाद्य सामग्रियों का मिश्रण है, जिसमें इन दोनों खाद्य सामग्रियों का मिश्रण है। तो यहां हम मान लेते हैं कि खाद्य सामग्री F1 और F2 क्रमशः X तथा Y इकाई है। हमने F1 खाद्य सामग्री की जो मात्रा है उसे मान लिया X इकाई और F2 की मात्रा को हमने मान लिया Y इकाई है। अब हम दिए गए आंकड़ों को सारणीबद्ध करते हैं। तो इसके लिए हमने स्तंभ में तो लिख लिया F1 और F2 खाद्य सामग्री और पंक्ति में लिख लिया विटामिन, खनिज और लागत। न्यूनतम आवश्यक इसको भी हमने यहां स्तंभ में लिख लिया। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दे रखा है कि F1 की कीमत 4 इकाई है और F1 में 3 इकाई विटामिन और 4 इकाई खनिज है। तो इसको हमने सारणी में लिख लिया। 3 इकाई तो F1 से संबंधित विटामिन है, खनिज की मात्रा है 4 इकाई और लागत इसकी है 4 रुपए प्रति इकाई। इसी प्रकार F2 में हम क्या पाते हैं? F2 में हम पाते हैं कि इसकी कीमत 6 रुपए प्रति इकाई है, जबकि F2 की एक इकाई में 6 इकाई विटामिन ए और 3 इकाई खनिज है। तो इसको भी हमने सारणी में लिख लिया। यहां सारणी में लिखने से हम पाते हैं कि 6 इकाई तो विटामिन है F2 में, खनिज की मात्रा है 3 इकाई और लागत है 6 रुपए प्रति इकाई। अब प्रश्नानुसार हम पुनः पाते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता क्या है। भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 इकाई विटामिन ए और कम से कम 100 इकाई खनिज होना चाहिए। तो इसको भी हमने सारणी में लिख लिया। 80 इकाई तो विटामिन और खनिज की मात्रा है न्यूनतम आवश्यकता 100 इकाई। अब हम इसका गणितीय संरूपण करते हैं। तो उद्देश्य फलन पहले लिखते हैं। उद्देश्य फलन में हम पाते हैं कि लागत न्यूनतम होनी चाहिए, इसलिए निम्नतम जेड बराबर, क्योंकि हमने F1 की मात्रा को माना है X इकाई और F2 की मात्रा को माना है Y इकाई, तो 4 गुणा X हो जाएगा और 6 गुणा Y हो जाएगा। F1 की क्योंकि X है, F2 की Y है, तो 4 इस X से गुणा हो जाएगा, 6 यहां F2 की मात्रा Y से गुणा हो जाएगा। दोनों का योग Z है और ये मान निम्नतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो उद्देश्य फलन हमारा हो गया निम्नतम Z बराबर है 4X प्लस 6Y। अब हम व्यवरोधों को देखते हैं। X तो मात्रा है F1 की, F2 की है Y, तो 3 गुणा X प्लस 6 गुणा Y ये हमारे को क्या देगा? ये मात्रा कम से कम 80 के बराबर होनी चाहिए, अर्थात इन दोनों का योग 3X प्लस 6Y अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 80 के। ये हमारा पहला व्यवरोध हो गया। 3X प्लस 6Y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ये हमारा पहला व्यवरोध हो गया। दूसरे व्यवरोध को देखें तो 4 पुनः इस x से मल्टीप्लाई होगा F1 की मात्रा से, 3 F2 की मात्रा से मल्टीप्लाई होगा और दोनों का योग 100 से अधिक या बराबर होना चाहिए। तो दूसरा हमारा व्यवरोध हो जाएगा 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ये दूसरा व्यवरोध हो गया। अब हम देखते हैं कि F1 की मात्रा x और F2 की मात्रा y, इकाई जो हमने माना है, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहां अऋणात्मकता प्रतिबंध है कि x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा व्यवरोध हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारा उद्देश्य फलन तो है निम्नतम z बराबर 4x प्लस 6y, व्यवरोध है 3x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और अऋणात्मकता प्रतिबंध है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम प्रत्येक असमयिका से संबंधित जो हल क्षेत्र है उसको ज्ञात करेंगे। तो पहली असमयिका है 3x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। संगत समीकरण क्या हो गया? 3x प्लस 6y बराबर 80। समीकरण को ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमने एक सारणी बनाई, यहां x y के मान लिखे, x बराबर 0 लेना है और y बराबर 0 लेना है। जब x बराबर 0 है तो y का मान कितना हो गया? 80 बटा 6, 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 40, ये हो गया 3, 40 बटा 3 ये हमें प्राप्त हुआ। और जब y बराबर 0 है तो x का मान हो गया 80 बटा 3, ये हमें प्राप्त हुआ। तो दो बिंदु कौन कौन से हो गए? 0, 40 बटा 3 और 80 बटा 3, 0। इसको हम बिंदु A ले लें, ये हमारा बिंदु B है। ग्राफ पेपर पर इन दोनों बिंदुओं को अंकित करते हैं। तो ये हमने बना दिया y अक्ष, ये हमारा हो गया x अक्ष, ये y अक्ष है। मूल बिंदु O निर्देशांक 0, 0, 0, 40 बटा 3 ये y अक्ष पर होगा, इसको अंकित कर दिया। 80 बटा 3, 0 x अक्ष पर है, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ये तो है 80 बटा 3, 0 बिंदु B, ये है A, 0, 40 बटा 3। अब हम हल क्षेत्र निकालने के लिए असमयिका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखें। तो हमारी असमयिका है 3x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। इसमें 0, 0 रखा x और y के स्थान पर, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 ये हमें मिलता है। अर्थात असत्य बात हमें पता चल रही है, क्योंकि 0 तो छोटा होता है 80 से। तो हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, उस ओर होगा जिस ओर मूल बिंदु स्थित नहीं है। तो हल क्षेत्र हमने इस प्रकार तीरों से दर्शा दिया। अब हम दूसरी असमयिका लेंगे, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अगली हमारी असमयिका है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। संगत समीकरण क्या हो गया? 4x प्लस 3y बराबर 100। सारणी बनाई हमने, x और y लिखे, x बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया। x बराबर 0 पे y का मान आ गया 100 बटा 3, और y बराबर 0 पर x का मान आ गया 100 बटा 4 अर्थात 25। तो 0, 100 बटा 3 और 25, 0 दो बिंदु प्राप्त हुए। ये तो C बिंदु ले लेते हैं, इसको D बिंदु ले लेते हैं। तो 0, 100 बटा 3 ये यहां पर अंकित कर दिया, और 25, 0 इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये तो हमारा है 25, 0 बिंदु D, ये बिंदु है C, 0, 100 बटा 3 ये हमें सरल रेखा मिल गई। अब हमें असमयिका का हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु के निर्देशांक इस असमयिका में रखने हैं। x के स्थान पर 0 रखा, y के स्थान पर 0 रखा, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 ये हमें मिलता है, जो कि असत्य है। अर्थात हल क्षेत्र उस ओर होगा जिस ओर मूल बिंदु स्थित नहीं है। तो हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, क्योंकि मूल बिंदु इधर है, हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। अब हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसको देखते हैं। तो इससे अभिप्राय होता है प्रथम चतुर्थांश,
एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से अभिप्राय ये है, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी से अभिप्राय ये है। तो अब हम जो सुसंगत क्षेत्र पाते हैं वो अपरिबद्ध क्षेत्र है, उसको आच्छादित करते हैं। तो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र इस प्रकार से होगा, यह हमारा सुसंगत क्षेत्र है क्योंकि स्पष्ट रूप से अपरिबद्ध है। इसके कोणीय बिंदु कौन से हो गए? इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि बिंदु E है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमारे जो सुसंगत हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु हो गए वो हो गए B, E और C, ये हमारे कोणीय बिंदु हो गए। तो E बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इसको यहां से मिटा दें, हमें दोनों सरल रेखाओं के समीकरणों को हल करना है। तो हमारे सरल रेखाओं के समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 80, यह है 4x प्लस 3y बराबर 100। इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 8x प्लस 6y बराबर 200। यह हमारा पहला समीकरण हो गया, यह दूसरा समीकरण हो गया। दोनों को घटाया तो घटाने से चिन्ह बदल दें, माइनस का 5x वाई कैंसिल हो गए बराबर माइनस का 120। एक्स बराबर हो गया माइनस 120 बटे माइनस 5, माइनस और माइनस प्लस हो गए, मान आ गया 24। एक्स बराबर 24 है तो एक्स बराबर 24 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैं इसमें रख देता हूं। तो 3 × 24 प्लस 6 × y बराबर हो गया 80। दिस इंप्लाइज, सरल करते हैं इसको, 24 × 3 = 72, तो 6y बराबर 80 माइनस 72, माना गया 8, इसलिए y बराबर हो गया 8/6, ये हो गया 4/3। बिंदु के निर्देशांक हो गए 24, 4/3। ई बिंदु के निर्देशांक रख दें 24, 4/3, ये ई बिंदु के निर्देशांक है। इसको भी यहां से मिटा देते हैं। अब हम इष्टतम की गणना सारणी बनाएंगे। तो इष्टतम गणना सारणी यहां हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स, यहां लिखेंगे z का मान 4x प्लस 6y, b बिंदु के निर्देशांक 80/3, 0, बिंदु e के निर्देशांक 24, 4/3 और C के निर्देशांक हैं 0, 100/3। इन बिंदुओं पर हल क्षेत्र निकालना है, Z का मान निकालना है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, X का मान हमने रख दिया 80/3, Y बराबर 0 है, तो 4 × 80/3 कैलकुलेट करें, मान आ गया 106.66। ई बिंदु पर देखते हैं जेड का मान, तो एक्स को तो रखना है 24, वाई को रखना है 4/3, 4 × 24 + 6 × 4/3, ये कैंसिल हो गया, 24 × 4 = 96 + 8, मान आ गया 104। सी बिंदु पर देखें तो z बराबर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 0 रखा तो 0 + 6
वाई के स्थान पर रख दिया 100/3, मान आ गया 200। तो इस सारणी से हम पाते हैं कि हमें जो निम्नतम जेड का मान है वो मिल रहा है 104। जेड बराबर 104 यहां मिनिमम है, निम्नतम है। अब क्योंकि ये हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, हमें असमयी का 4x+6y <104 इस पर विचार करना है। तो इसके लिए हमने इधर से इसको मिटा दिया। संगत समीकरण इसका क्या हो जाएगा, 4x+6y <104। ये इसका संगत समीकरण हो गया। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने एक्स और वाई लिखे। एक्स बराबर 0 तो 104/6 ये हमें वाई का मान मिलेगा। 104/6 को भी कैलकुलेट कर लें, (17.33) और y बराबर 0 से x का मान मिल गया 104/4। अर्थात 26। तो दो बिंदु मिल गए, 0, (17.33) और 26, (0). ये हमें दो बिंदु मिल गए। इनको भी हम प्लॉट करें तो हमें जो सरल रेखा मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है। ये हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। अब स्पष्ट है कि यदि सरल रेखा 4x+6y (104), इस सरल रेखा का हम हल क्षेत्र देखें तो हमें मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखने से क्या मिलता है, 0 < 104। अर्थात हल क्षेत्र हमें इस ओर मिलता है जो कि हम पाते हैं कि मूल बिंदु की ओर है, और उस हल क्षेत्र में और सुसंगत हल क्षेत्र में जो कि अपरिबद्ध है उसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। इस बात को पुनः समझ लें, जो 4x+6y < 104 इसका हल क्षेत्र है वो सरल रेखा तो ये है जो मैंने बनाई है, इसका हल क्षेत्र तो नीचे की ओर है, सुसंगत हल क्षेत्र जो अपरिबद्ध है वो ऊपर की ओर है, तो दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अर्थात जो हम 104 मान प्राप्त कर रहे हैं ये निम्नतम मान है, ये इस रैखिक प्रोग्रामन समस्या का निम्नतम मान है। तो अब हमारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल हमें मिल चुका है, इसको मिटा देते हैं और यहां हम अपना हल लिखते हैं। हमें जो खाद्य सामग्री F1 है जिसकी हम x इकाई उपयोग में लेंगे वो तो है 24, तो इसलिए खाद्य सामग्री F1 की 24 इकाई तथा खाद्य सामग्री F2 की 4/3 इकाई उपयोग में लेने पर निम्नतम मूल्य ₹104 मिलता है। 104 रुपए प्राप्त होता है। यह हमारा दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का अभिष्ट हल है।